Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. Zid se jeet tak. Hi, everyone. So we all know that जो मून है ना हमारा, वो इन दिनों ना डिमांड में चल रहा है. तो मून से रिलेटेड एक और मिशन जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है आपकी जापानीज स्पेस एजेंसी के द्वारा, जिसका नाम है जैक्सा, राइट. उस एक रॉकेट के ऊपर देर आर टू मिशंस जो गए हैं वहां पे, राइट. उन दोनों मिशंस को आज हम पढ़ेंगे, साथ ही हम उसके बियॉन्ड जाएंगे और ये देखेंगे कि एक ऐसा मिशन है जो कि अगेन एक लूनर मिशन होने वाला है, जो कि इसरो और जैक्सा ये मिलके लॉन्च करने वाली है और प्रोबेबल टाइम इसका 2024 है, राइट. इसके अलावा साथ में जो हमारा एक और टॉपिक एक्टिवेट होता है, दैट इज कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है, इसके और कंट्रीज के साथ में कौन से अपकमिंग मिशन है, ये किस मिशन के अंदर कौन सी कंट्री कैसे हेल्प कर रही है, राइट. लेट्स बिगिन इन अ वेरी टू द पॉइंट फॉर्मेट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट हम जानते हैं जैक्सा इट स्टैंड्स फॉर योर जैपनीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, राइट. ये फुल फॉर्म के तौर पे है. जो आपके छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जैसे मान लो पीसीएस का कोई छोटे लेवल का एग्जाम आ गया, ग्रुप बी एग्जाम जो होते हैं, राइट, इस टाइप के जो एग्जाम्स हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार टाइप, उसके अंदर वो डायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन जो है पूछ सकते हैं. खासकर HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनके एग्जाम्स के अंदर इस टाइप की चीजें फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है. आई थिंक मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा है, बट नासा के फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, राइट. अगर आपको नासा की फुल फॉर्म पता है सो प्लीज कॉमेंट डाउन, राइट. एक बार आप कमेंट करके देखिए, शायद आपको हो सकता है आपको ना पता हो एग्जैक्टली क्या है, राइट. चलिए आगे चलते हैं. तो हमारे पास में एक H2A रॉकेट है जो कि इन्होंने लॉन्च किया है. इसके अंदर बेसिकली दो मिशंस गए हैं, वन ऑफ विच वॉज योर एक्सरिज्म. क्या है ये? एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन. इससे जो प्रीवियस वीडियोज आई है उसके अंदर एक बार हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में समझा भी था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज होती है. एंड इनकेस अगर आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पता कि क्या चीज है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज है आपको पूरी तरह तो खैर आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा. व्हाट आई मीन बाय कि आपको पता होना चाहिए इज दैट कि एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी क्या है, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है. तो आपको वेवलेंथ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग या फिर ओपोजिट साइड वाइस वर्सा, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, ये सब आपको पता होने चाहिए. बिकॉज ये आपको जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर जो है ये चीज पूछी जा सकती है, राइट. तो ये पता होना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, क्यों ये मिशन इंपॉर्टेंट है एक्सरिज्म, इस बिकॉज कि ये कोलैबोरेशन में हुआ है बिटवीन नासा एंड जैक्सा. तो एक सवाल तो डायरेक्टली यहीं से बन सकता है आपका कि एक्सरिज्म मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन विच टू एजेंसीज, राइट. और वो ऑप्शन बना के दे देंगे आपको, 1 and 2, 3 and 4, 1 and 3, ऐसे करके ऑप्शन बनाएंगे. तो आंसर इसका बनेगा आपका नासा एंड जैक्सा. चलिए ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं कि क्या क्या करता है ये मिशन. ऐसे नाम से पता लग रहा है कि इट्स एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट. क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्जर्व एक्सरेज कमिंग फ्रॉम डीप स्पेस एंड टू आइडेंटिफाई देयर वेवलेंथ विद अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन. मतलब कि बहुत प्रिसाइसली इसको मेजर करने के लिए ये जो है मिशन है. बाय द वे, सेम ही रॉकेट के ऊपर एक लूनर मिशन है, और ये वाला जो पहले एक्सरिज्म है ये पहले डिटैच हो गया था उससे. एंड द अदर वन जो कि SLIM स्लिम है ना, वो जो मिशन है लूनर मिशन है वो अभी कंटिन्यू कर रहा है, वो भी जा रहा है, वो लैंडर मिशन है. बाय द वे क्या करेंगे, इट विल यूज स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी टू मेजर द चेंजेस इन ब्राइटनेस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट वेवलेंथ. और अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हो कि इसके थ्रू वी कैन एक्चुअली टेल कि वो सेलेस्टियल बॉडी बनी किस मटीरियल के साथ में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इस तरीके से हेल्प करती है क्योंकि हर जो एलिमेंट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर डिफरेंटली बिहेव करता है. एंड वी कैन मेजर दैट एंड कंपेयर इट, जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा है कि वो सेलेस्टियल बॉडी क्या है, किस चीज से बनी है. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. दो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है रिजॉल्व, एक है एक्सटेंड. रिजॉल्व क्या करेगा, एक्सरे ऑब्जर्वेशंस ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो पहले से ऑर्बिट कर रही है जो सैटेलाइट, उनसे ज्यादा बेटर तरीके से ऑब्जर्वेशंस जो है वो देगा. दूसरा है एक्सटेंड विल ऑपरेट साइमल्टेनियसली टू फोटोग्राफ द कॉस्मोस विद अ रेजोल्यूशन कंपेरेबल टू द वे आवर आईज माइट परसीव इट, राइट. सो दो इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट, दो इसके अंदर जो है आपके पास में इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ऑनबोर्ड है, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे, राइट. नेक्स्ट वी हैव स्लिम. स्लिम H2A रॉकेट के थ्रू ही ये भी रिलीज हुआ है. इसके अंदर का इट्स अ स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, है ना. ये कॉम्पैक्ट रोबोटिक मून लैंडर है
विद नो एस्ट्रोनॉट्स अबाउट, ठीक है जी। तो ये स्लिम मॉडल है। अब एक जो मिशन है जो साथ में इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज योर इसरो लूपेक्स मिशन, द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, विच इज कॉल्ड लूपेक्स। सो ये एक जॉइंट मिशन है बिटवीन इसरो एंड योर जैक्सा। क्या करेगा ये? सेंड अ लूनर रोवर एंड अ लैंडर टू एक्सप्लोर द साउथ रीजन ऑफ द मून बाय 2024। अब इसरो ने लैंडिंग को जो है फतेह कर लिया है पूरी तरह, तो इस मिशन के अंदर भी जो इसरो काम करेगा, दैट इज इसरो विल प्रोवाइड द लैंडर, ये बाकी जो जैक्सा है वो रोवर और साथ में लॉन्च व्हीकल कौन सी होगी आपकी? H3। सो दिस इज द इनफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम ये जानने के लिए कि और एग्रीमेंट्स क्या हैं इसरो के। तो हमारे लिए जो है बेसिकली तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक कि इसरो और आपकी इटालियन स्पेस एजेंसी ने आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पेस साइंस, रोबोटिक और ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज को है जो एक्सप्लोर करनी है। इटली के साथ में हमारा ये टाइप है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे गगनयान के अंदर जो है वो हेल्प करने वाला है। कैसे? बाय टेम्परेरली होस्टिंग द नेसेसरी इसरो सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटी, राइट? सो दैट इज ऑल। इसके अलावा बाकी जो है आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7 मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली फॉर योर मेंस एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज चेक आउट अभिमन्यु IAS करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इट इज बेस्ड ऑन त्रिशूल मॉडल। यू विल बी गेटिंग 3 things: number 1 वीकली क्लासेस, number 2 वीकली PDFs ऑफ करंट अफेयर्स, number 3 वीकली टेस्ट ऑन करंट अफेयर्स। द लिंक टू ज्वाइन द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। जिद से जीत तक, एंड इफ यू आर जिद्दी इनफ सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स। दिस टेलर मेड करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स इज इनफ for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.